चर्चा कर लिया इतिहास। देखो अभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो गए, जिसमें जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वर्तमान, वो 15वें राष्ट्रपति 15वें नंबर, और दूसरी महिला राष्ट्रपति। यही मेरा राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक, एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति होने के साथ साथ यह जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक, अब हम इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं। ठीक, अब जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? यही नाम है इसमें बड़ों की मात्रा है, यही है जी। अब आपको भी चीज तथ्य आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो द्रौपदी मुर्मू है तो आदिवासियों की संथाल जनजाति से संबंध, जनजाति से संथाल। एक वीडियो चल रहा था हम लोगों का, इस जाति से संबंध है, जनजाति से संथाल। अब बच्चों एक चीज आप लोगों को बता दें, भारतीय इतिहास में आप लोगों को कभी भी 15 अगस्त के दिन नहीं बताया जाता कि आदिवासियों ने भी भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। आपको बताया गया कभी? है? अरे बिरसा मुंडा नाम मतलब अभी बन गई राष्ट्रपति तो नाम याद आ गया, लेकिन हम कह रहे 15 अगस्त को तुम लोग अभी तक स्कूलों में पढ़ते आए हो, भाषण सुनते आए हो, तुमने कभी किसी के मुख से ये सुना कि आदिवासियों का भी योगदान रहा भारत की आजादी? किसी ने कहा? क्यों नहीं कहा? देखो किताबों में तुमने पढ़ा होगा कि आदिवासियों के विद्रोह विद्रोह पढ़े, ठीक है नहीं? 1857 की क्रांति है और आदिवासियों की विद्रोह, ठीक? रानी लक्ष्मीबाई, समझ ना बात, रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी, नाना साहब क्यों लड़े, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर क्यों लड़े, मौलवी अहमद उल्लाह क्यों लड़े, क्यों लड़े? प्रश्न ये है कि उनके अपने अपने कुछ ना कुछ टकरा, ये तो टकरा रहे थे हम दिनों से, तो भैया जिन हितों के लिए ये लोग लड़ रहे थे अलग अलग करके, आदिवासी भी अपने ही हितों के लिए तो लड़ रहे थे हम दिनों से। अगर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो वो क्यों नहीं है भैया आदिवासी, बताइए? ठीक, और भारत के इतिहास में सबसे पहले, इतिहास बहुत गलत तरीके से पढ़ाया गया, सबसे पहले चुवार और हो जनजाति ने 763-750 के आसपास विद्रोह किया था अंग्रेजों को, चुवार और हो जनजाति। हाँ भाई, अंग्रेज प्लासी के युद्ध के पश्चात आ गए थे, तो कब होगा
संतावन होगा उसी के बाद, हम तो उसी के बाद ही तो बात बता रहे थे। सात सौ सत्रह सौ की बात, सात सौ नहीं सत्रह, ठीक है ना, सत्रह ही सौ की बता रहे, नकल गई होगी। ऐसे ही हम ओलंपिक खेल की बता रहे थे, एक बार चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। ओलंपिक खेल जो है कब हो गए, पहले ओलंपिक खेल कब हो गए बताओ, तो हमने कितना लिखा पढ़ा है हमने ओलंपिक खेल का, हमने जो लिखा है क्या लिखा, हमने सही लिखा गलत लिखा, क्या लिखना चाहिए था ना, पढ़े नहीं। इसमें अगर बीसी लगा दी तो सही होगा, अब जब बीसी का मतलब ये सब, पहले ओलंपिक खेल इतने ही में 776 ईसा पूर्व में कहाँ हुए थे, यूनान में हुए थे, एथेंस में, ओलंपिया एक है नहीं, एथेंस की एथना देवी, एथेंस जो है नगर बसाता है एथना देवी के नाम पर, प्राचीन समय में नगर देवी देवताओं के नाम पर बसते थे, एथना देवी थी उनके नाम पर एथेंस शहर बसाता है यूनान। तो समय संसार में कोई ऐसा देश नहीं था जहां मूर्ति पूजा, कोई देश नहीं था, इतिहास पुराना खुद दिया जाए तो सब जगह, ठीक है ना, लेकिन धीमे धीमे करके बहुत से देशों से मूर्ति पूजा खत्म हो गई, क्योंकि उन धर्म में एक धर्म समाप्त होता है तो कोई दूसरा धर्म उस जगह पर स्थापित हो जाता है, या दूसरे धर्म वाले पुराने धर्म को नष्ट कर देते, ठीक है ना। जैसे पहले जो धर्म था, फिर यहूदी धर्म आया, यहूदी धर्म ने कुछ खेत पहुँचाई, यहूदी धर्म के पश्चात फिर जो ईसाई धर्म आया, ईसाई धर्म ने सभी खत्म कर दिया। अच्छा, ईसाई धर्म के पश्चात फिर इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता, ना ईसाई धर्म मानता है ना वो मानता है, इस्लाम धर्म में तो उसकी पूर्णता निंदा ही की है, बहुत बड़ा अपराध माना गया उसमें जो है, इतना है उसमें अन्य देवी देवताओं को पूजा नहीं, सिर्फ ईसा मसीह और गॉड, अब गॉड कैसे है ये मालूम, तो खाली ईसा मसीह की पूजा तक सीमित रहेगा ईसाई धर्म, ठीक। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब स्वयं की अपनी पूजा की बात भी मना कर गए, इसलिए किसी प्रकार की मूर्ति पूजा इस्लाम धर्म में स्वीकार नहीं, वर्जित किसी भी प्रकार, ठीक है ना। जहाँ पर होती है, तो यहाँ पर महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया उसको बुद्ध शिखर की उपाधि दी है, यानी मूर्ति भंजक की सबसे पुराना धर्म यही कहा जाता है वर्तमान, क्योंकि संसार के सब धर्म नष्ट हो गए तो हमारी देश में बचा है। वो जो पुरानी परंपरा है उन परंपराओं को हम आज भी आज भी, इसलिए हर धर्म वाले उंगली उठाते हैं, क्या उठाते हैं, ऐसे भी देवता हो, ऐसे भी देवता हो, है नहीं। अब अगर उनके धर्म पे उंगली उठाओ तो पता चलेगा छोट हर जगह है, अगर छोटे ही ढूंढो, है ना। इसलिए धर्म के मामले में बोलना नहीं चाहिए, किसी को भी किसी के धर्म की अकारण निंदा नहीं करना चाहिए। आपका धर्म है आप माना, इनका धर्म ये माना, आप दोनों को एक दूसरे धर्म की निंदा नहीं करना चाहिए। सम्राट अशोक बहुत पहले कहे ये बात, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे थे, इसके पश्चात जब 1857 क्रांति हुई, उससे पहले
मित्रों होगा जिसे कहते हैं संथाल। क्या कहते हैं? जैसे होगा पहले आप समझ रहे कि इस विद्रोह के चार नेता थे, चार भाई थे। कौन कौन थे? सिद्धू, कानू, भैरव और चांद, चार भाई थे। सबसे बड़ा भाई था कौन? ठीक, इसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। अब भैया क्या जरूरत पड़ी, समझ रहा बात? आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल। देखिए पहले आप लोग ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों की क्या समस्याएं थी। आदिवासी लोग जो है आराम से जंगल में रहते थे, जंगल ही जंगलों को साफ करके ये लोग खेत बनाते थे, जंगल की वस्तुओं से यह उपयोग करते थे। ठीक, या जंगली जंगल से ही फल फूल लकड़ी खाद्यान्न आदि की प्राप्ति करते, जंगल के किनारे ही यह लोग रहते। लेकिन होगा क्या कि अंग्रेजों के समय ईसाई मिशन आए भारत में, ईसाई मिशनरियां आई जिन्होंने आदिवासी को प्रलोभन दिया। ठीक, अच्छा दूसरी बात, काय का प्रलोभन दिया कि तुम ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाओ तो हम तुम्हें जमीन देंगे, हमें नौकरियां देंगे आप। ठीक, दूसरी बात, अंग्रेजों ने रेत की पटरियां डाली, जंगल काटे। ठीक, अंग्रेजों ने 1793 में क्या किया, स्थायी भूमि बंदोबस्त लाड कानों वाले से स्थाई भूमि बंदोबस्त जमींदारी अधिनियम। उसमें क्या किया कि जमींदारों को ही भूमि का मालिक बना दिया, तो जो आदिवासियों की भूमि है उनको वो उनसे खींच कर जमींदारों के स्वामित्व में कर दिया। अब ये बताइए, आपकी खेती का स्वामी कोई और हो जाए और फिर अंग्रेजों ने टैक्स रख दिए हो, भारी भारी टैक्स कर खेती पर कर रख दी, इन सब चीजों से इन लोगों ने, अच्छा दूसरी बात है, ये जो जमींदार लोग जो और रेल की पटरियां डालने वाले लोग हैं, इनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने लगी, उन्हें पकड़ ले जा, उनकी औरतों को, उनकी लड़कियों को, उनकी को बेइज्जत कर रहे, उनकी इज्जत को लूट रहे। इन चीजों से, इन सब बातों से, एक तो टैक्स ज्यादा नहीं है तो वे बेचारे परेशान, ठीक है नहीं? तो आदिवासी बड़े सज्जन होते, उन्हें अपने जीवन से मतलब है कि हम अपने जीवन में आनंद रहे, लेकिन और लोगों को उन्हें उनकी सज्जनता का लाभ उठाते हैं, उनकी सज्जनता का लाभ यही अंग्रेजों ने किया।
अच्छा पहले प्रारंभ में आदिवासी लोग ये जानते थे कि जमींदार ही हमारे शत्रु हैं, ठीक। तो हुआ जो है अपनी रिपोर्ट है थाने में रख, तो अब थानेदार भी कुछ मतलब सहयोग ना कर पाने को उल्टे डंडे बरसा देते। अब धीमे धीमे उन्हें ये लगने लगा कि जमींदार अधिकारी सरकारी कर्मचारी ये सब मिले होंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव हो गया धीमे धीमे कर। जब वो शिकायत करने गया तो कर्मचारी ना करें, जमींदार उनकी जमीनें छीने उन पर जबरदस्ती कर लें, ठीक, उन्हें अपना गुलाम बनाए, उनकी औरतों को बेइज्जत करें, उनकी इज्जत लूटे। तो धीमे धीमे करके आदिवासी ये समझ गए कि यह लोग जो है अंग्रेज सरकार के सारे पर काम कर रहे हैं, अतः उनका मुख्य शत्रु कौन है, अंग्रेज, समझना बात। तो आदिवासियों ने फिर धीमे धीमे करके क्या किया, जमींदारों के घर जला दिए, सरकारी संपत्ति नष्ट कर दी, ठीक, सरकारी खजाने को लूट लिया, और जहाँ भी अंग्रेज सेना देखे तो यह दुख सुख के छापा मार युद्ध करते थे, क्योंकि इनके पास धनुष बाण होते थे। इस वजह से अब जब अंग्रेजों को लगा कि भैया बहुत ज्यादा हाहाकार मच गई, लोग बाबाओं ने आदिवासियों को समझाया, लेकिन अब आदिवासियों ने शस्त्र तभी उठाए, विद्रोह तभी किया जब उनके ऊपर अति हो गई, कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था, तब आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि अंग्रेज स्वयं में मिले हुए थे, ठीक है नहीं। तो और देखिए आपको गर्व होगा इस चीज पे कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है हमारी वो संथाल जनजाति, और संथाल जनजाति मर गई लड़ते लड़ते अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं, उन्होंने अपना धर्म का परिवर्तन नहीं, वो पहले भी हिंदू थे आज भी हिंदू, जबकि और जनजातियों ने और जनजातियों के खिलाफ हुआ ये सब, उन्होंने क्या किया तो बहुत उन्होंने पैसा ले लिया, खेती ले ली, और पैसा ले लिया खेती ले ली अंग्रेजों से और ईसाई धर्म से, ठीक, उसी संथाल जनजाति से संबंधित है हमारी वर्तमान, मालूम था तुम लोग, मालूम कितना बड़ा इतिहास छिपा है इसमें। और इसका विद्रोह सर्वप्रथम सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ, ये चार भाई भैरव थे, ठीक। अंग्रेजों ने बाद में जो लोग जहाँ रहते थे राजमहल की पहाड़ियों में वहां पर एक क्षेत्र का नाम ही क्या रख दिया, संथाल परगना, क्या रख दिया, संथाल परगना। यह राष्ट्रपति संबंध है, अब आइए उपराष्ट्रपति। हाँ, आप तुम्हें अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। इसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया और सभी संथालों को बुलाया और कहा कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए, यह ईश्वर की इच्छा, ईश्वर ने हमें संदेह। जैसा मुंडा ने भी वही किया कि अपने आप को भगवान घोषित कर, 1899 में 1900 में हुआ था मुंडा भी, किसका क्या तो रहा, 1899-1900 में विद्रोह हुआ, ये बेचारे लड़ते लड़ते मारे गए, बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और फांसी जेल में डाल दिया, जेल में ही उसे हैजा हो गया, हैजे के कारण वो मुंडा जाति जनजाति,
देखो बच्चों, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह को क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है नहीं? ईसा मसीह का जन्म यहाँ होगा जीरो पे, अतः यहाँ और यहाँ हम लाइन खींचते गड़त भी क्या होगा, यहाँ -8 -7 -6 -8 -4 -2 -1 0 या +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे बढ़ते जाएंगे नहीं बढ़ते जाएंगे। तो अगर मान के चलो ईसा मसीह से यहाँ से पहले अगर कोई घटना घटी है बहुत पहले तो यहाँ पे आने की नहीं ऐसे, ठीक है? ऐसे इतिहास बीसी का मतलब जो को ट्राई किया ईसा बीसी का ये अंग्रेज होते हैं इन्होंने ईसा मसीह को इसलिए भगवान का मान लिया। हाँ वही हम बता रहे थे जो तुमने प्रश्न किया था, अब हम उसी पे आ गए। देखो ऐसा है, तुम्हें हमने बताया कि पहले यूनान की सभ्यता थी, ठीक, अच्छी भली पूरी सभ्यता थी, लोग बाग संपन्न थे, खुशहाल थे सब प्रकार से। धीमे धीमे चूंकि यह सभ्यताएं कैसी थी, गणतंत्रात्मक सभ्यता। गणतंत्रात्मक सत्ता में क्या होता है, यहाँ पर कुछ कुलीनों का शासन है, जो बड़े लोग हैं वो मिलकर शासन करते हैं, एक सभा होती है उनकी वहाँ बैठते हैं, ये संसद है, ऐसी सभा होती है उसमें पूरे देश के प्रमुख लोग मिलकर पूरे देश पर शासन चला, उनके निर्णय से सेना होती, सब कुछ होती, वो सब किसके अधीन होती है, संसद के। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यूनान, यूनान का धीमे धीमे करके पतन होगा, पतन होगा, तो उस पतन के पश्चात रोम में सभ्यता पनपी, रोम के नगरों का विकास हो गया। रोम पहले जो है 7 पहाड़ी थी, है वो रोमस और रोमियुलस नामक दो भाई थे जिन्होंने रोम नगर की स्थापना। अब धीमे धीमे करके नगर जो विकसित होता चला गया, रोम में भी वही व्यवस्था थी जो यूनान में थी व्यवस्था। अब हुआ क्या, जब सभ्यता पनपी तो यहाँ पर सेना नायकों को महत्व दिए जाने लगा, जब सभ्यता बढ़ी हुई, क्यों? क्योंकि सेना नायक युद्ध लड़ते थे, वह हीरो हो गए, ठीक है नहीं? हीरो हो गए क्योंकि वो युद्ध जीतते थे। उन्हीं में से एक जो है 70 के आसपास ईसवी ईसा पूर्व के आसपास एक राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। हाँ, जूलियस सीजर राजा था, यह सेनापति था, इसने मिस्र पर विजय प्राप्त की, मिस्र जैसे बड़े देश, तो इसकी ख्याति फैल गई। तो यह जो है कि फिर सेनापति का पद इसने नहीं छोड़ा, लेकिन काम राजा की तरह कर, लेकिन 5 ही साल इसने काम किया होगा और इसी के दोस्तों ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, जब यह सीनेट की सभा में भाग लेने जा रहा, मतलब संसद में, वहाँ धोखे से हत्या कर दी, 30-40 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को घेर कर मार दिया। इसके पश्चात उसका भतीजा बैठा, क्योंकि उसका लड़का खुद का लड़का था छोटा, तो उसका भतीजा जो 18 साल का था ऑक्टेवियन, वह ऑगस्टस के नाम से, ऑगस्टस की उपाधि थी, ऑगस्टस के नाम से बैठा। तो जुलाई महीना जूलियस सीजर के नाम का जुलाई पड़ा महीना,
और अगस्त महीना अगस्त के नाम है, ठीक है नहीं, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ो, रोम अब यह जो है राजा की तरह काम करने लगा। मिस्र में जो राजा होता था उसकी मूर्तियां पूजी जाती थी, उसी प्रकार से रोम में भी राजा की मूर्तियां पूजी जाती थी। यह परंपरा जूलियस सीजर ने प्रारंभ किया। अब धीमे धीमे करके रोम का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया, विशाल हो गया, तो जगह जगह विद्रोह हो गए, जगह जगह जो है जो और जातियां थी वो आक्रमण करने लगी। इतना विशाल हो गया कि रोम के लोगों को ही पता नहीं चलता था कि हमारा देश इतना दूर तक फैला है, और प्रशासन करना मुश्किल हो गया। ठीक, अब ये लोग क्या कहते थे, रोम के राजा को, रोम के सेना नायक ये अन्य देशों पर आक्रमण करते थे, वहाँ उन देशों के लोगों को पकड़ लाते थे, उनके पैरों में जंजीरें जकड़ जकड़ देते थे, ठीक, उनको हंटर मारते थे और अपने घर के काम कराते थे, खेतों के काम कराते थे, रात में भाग ना जाए इसलिए उनमें ताला लगा देते थे हाथ पैरों की जंजीरों में, ठीक, और कहीं ये और भाग ना जाए जंजीरें तोड़ के उसके शरीर में एक मोहर लगा देते थे, शरीर में मोहर ठोक देते थे, ये लोग आप पहचानने के लिए गुलाम है, ठीक। कुछ गुलामों को शादी होती थी, कुछ की नहीं होती थी, वो गुलाम थे। अच्छा, उन गुलाम जो औरतें होती थी उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उनके पास संतानें कम होती हैं, क्यों, क्योंकि वो है उनके पास समय ही नहीं रहता, वो इतने विलासी हो जाते उन्हें 17 जगह सुख मिलने लगता, ठीक है। और गरीब लोग अपने घर आते हैं तो संतान ही पैदा करते हैं, काम करने का है नहीं, उनके पास एक ही मनोरंजन है संतान पैदा, ठीक। तो कभी भी किसी कालखंड में देखिए गरीबों की जनसंख्या बढ़ती है और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी जनसंख्या मुट्ठी भर रहती है। ऐसे ही रोम में हो, रोम में जो गरीब लोग थे उनकी जनसंख्या बहुत हो गई और जो बड़े लोग थे वे इतने विलासी थे कि उनके पास फुर्सत ही नहीं थी, भाई उनके पास दास दासियां तमाम लोगों का त्याग सब व्यवस्थाएं थी, विवाह ही नहीं कर रहे थे, तो जन जब विवाह नहीं करोगे तो जनसंख्या अपने आप नहीं बढ़ेगी, ठीक। अब लेकर जो गुलाम थे जो दास थे उनके साथ व्यवहार खराब होगा, लेकिन जनसंख्या इनकी बहुत बढ़ गई। अच्छा, दास के लड़का और लड़की भी दास ही होते हैं, ठीक है नहीं, एक व्यक्ति दासों को बेचता है खरीदता है, ठीक, दास क्या है वस्तु हो जाते हैं। इसी बीच इन्हीं सब घटनाओं के बीच में ईसा मसीह का, ईसा मसीह जब बड़े होते अब ये हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन वो भी मतलब ऐसे ही स्थितियों में पैदा हो, इन स्थितियों में बड़े घर के नहीं, ठीक, सामान्य घर के थे, इन्हीं परिस्थितियों में वह बड़े होते, उन्हें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता, आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती। तो ईसा मसीह ने उन्हीं गरीब लोगों को अपना संदेश, क्या अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल, ठीक, और पापी जितना पाप करता है उसका पाप उतना बढ़ता है, जितना पाप, ठीक, लेकिन ईश्वर के नजदीक वही जाता है जिसका हृदय बच्चे की तरह, निष्पाप वही है जिसका हृदय जो बच्चे की तरह, तो किसी को सताए नहीं, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी लोग बाबों के मन को, वहाँ लोग बाबों की पूजा करने लगे, राजा को ये लगा कि अरे ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बात कर रहा है, तो राजा ने उसे भरवा कर ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया, ठीक,
लोगों के मन में ईसा मसीह ने जो काम किए थे वह लोगों के मन में छा गए, वो उनकी घर घर पूजा करने लगे धीमे धीमे करके। जितने गरीब लोग थे देश भर के, गुलाम गरीब लोग, मध्यम लोग, वो सब ईसा मसीह के भक्त थे। ठीक, अब राजा ने ईसाइयों को मानने को बहुत जितना प्रयास मानने का किया, आप किसी धर्म को जितना नष्ट करने की सोचेंगे वो धर्म उतना बढ़ेगा। वही क्या हुआ, राजाओं ने जितना मारा ईसाई धर्म उतना प्रबल होता चला, लोग बाबों की आस्था उतनी प्रबल होती चली, उन्होंने ईसा के वचनों से मुख नहीं मोड़ा। अंत में स्थिति ये आ गई कि जितने भी बहुत बड़ी जनसंख्या ईसा मसीह को मानने लगी, अब राजा एक कॉन्स्टेंटाइन राजा था, कौन राजा था, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन कौन राजा था, कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा था। उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने जनता का नब्ज समझा, जनता का नब्ज, जनता विद्रोह कर रही थी, क्योंकि अभी तक के राजा क्या कर रहे थे, जनता को मारते थे। ठीक, इसलिए जनता राजा के खिलाफ थी। अब राजा ने सोचा कि हम तो राजा बने ही जनता के, जनता विद्रोह क्यों कर रही जानकारी नहीं, कुछ पता चला जनता इसलिए विद्रोह कर रही कि राजा लोग मारते हैं उनको, उनके को ईसाई धर्म मानते, इसलिए राजा ने कहा कि आज से रोम का जो है धर्म ईसाई धर्म। ठीक, राजा ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। अब जितने गरीब लोग थे, गुलाम लोग थे, वो तो सब खुश हो गए। क्यों, क्योंकि राजा वही धर्म मान रहा है जो गरीब लोग मान रहे हैं। ठीक है नहीं, अब उन्हें राजा से कोई दिक्कत। इस प्रकार से ईसाई धर्म ने जो है जितने भी पुराना धर्म था उसको समाप्त कर दिया। पहले क्या था, रोम में मूर्ति पूजा थी, अनेक देवी देवता पूजे जाते थे, अनेक देवी देवता, मिनर्वा क्या है, ज्ञान की देवी है, डायना क्या है, सौंदर्य की देवी, प्रेम की देवी, ये सब देवी देवता समाप्त। अब कौन हो गए, लेकिन डायोक्लेशियन एक राजा था। ठीक, इसने कॉन्स्टेंटाइन नामक राजा ने एक नगर बसाया अपने नाम पर, जिसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटाइन ने एक नगर बसाया जिसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल, आज जो कुस्तुनतुनिया के नाम से, कुस्तुनतुनिया कहाँ है, यह तुर्की, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक, आधा तुर्की एशिया में, आधा तुर्की, जैसे रूस जो है आधा यूरोप में और आधा एशिया में। बात समझ में आ गई, क्या करते हैं सब। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम यरूशलेम राज था, और बेथलहम नामक नगर में,
सगाई हो गई। माता का नाम मरियम था, पिता का नाम शायद अब्राहम, इनकी सगाई हो गई थी लेकिन शादी नहीं। उसी समय जो है मरियम गर्भवती हो जाती है और उनके पेट से बच्चा जन्म लेता है, उसे कोई यीशु कहते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ये कहा गया उनके बारे में कि कुमारी कन्या के गर्भ से पैदा उनकी विवाहिता नहीं थी। ये भी कहा जाता है ईसा मसीह के बारे में, ईसा मसीह वो जो है कोई देवी देवता देवता आए थे, ईश्वर आए थे, उनका ही अंश जो है मरियम के पेट में चला गया, इसलिए वह अब्राहम की संतान ना होकर वो ईश्वर की संतान था। इसलिए ईसा मसीह अपने आप को द सन और द गॉड ईश्वर की संतान, ईश्वर का पुत्र अपने आप को क्या कहते थे, ईश्वर का पुत्र भगवान को मानते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में हिंदू धर्म में ईश्वर को क्या कहा गया है, ब्रह्म क्या कहा गया है, आप हमको बता रहे हैं ब्रह्म क्या। देखो बच्चों, जो ना दिखाई दे जो ना सुनाई दे ठीक, लेकिन जिसकी शक्ति से सब सुना जा सकता है, जिसकी शक्ति से सब देखा जा सकता है, जिसे हम नहीं जानते हैं लेकिन जिसकी जानने की शक्ति से हम सब जान जाते हैं, है नहीं, उसमें कोई गुण नहीं है, वो गुणातीत है। ठीक है ना भाई, हम जितना वर्णन करेंगे उतने शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए वो आप निर्वचनीय शब्दों से परे है, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते वह है। ठीक, लेकिन हम जब उसे साकार रूप में पूजने लगते हैं तो वह ईश्वर हो जाता है। ठीक है ना, जब हम उसकी कल्पना कर लेते हैं तो वह क्या है, ईश्वर हो जाता है। अब ईश्वर ही उपासना के विषय है, ईश्वर ही पूजा का विषय है, ईश्वर ही प्रार्थना का विषय है। ठीक, समझ में आ गई बात। हमारे शास्त्रों में निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों की उपासना की, जबकि ईसाई धर्म में निर्गुण ब्रह्म जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार। इस्लाम धर्म में भी ईश्वर का कोई आकार नहीं। हिंदू धर्म का जो ब्रह्म सिद्धांत है वह भी ईश्वर को निर्गुण और निराकार व्यापक सर्वव्यापी बता रहा है। हेलो यात्रा में जो जहां पहुंच जाए वहीं स्टॉप लगा देता है कि बस यही सिद्ध कर। ठीक है ना, भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान, हाँ हाँ, ईसा मसीह कहते हैं मैं भगवान का पुत्र, हाँ, कृष्ण भगवान के पुत्र है क्या, हाँ। देखिए ऐसा तुम्हें हम बता, ये धार्मिक बात बात की चीज है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपके अंदर भी आत्मा, हमारे अंदर भी आत्मा, सबके अंदर भी आत्मा। अब आप कहें कि कैसी आत्मा, तो उन्होंने कहा कि आप 1000 घड़े रखें, ठीक,
चांदनी रात है, चांद खिला हुआ है, उन हजार घड़ों में देखेंगे तो हजारों घड़े में एक एक चांद दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से इतने मनुष्य सब में आत्मा है, ठीक, लेकिन रियल में एक परमात्मा कौन है वो, ये सब उसकी क्या है, अंश है, अंशी तो, अंशी तो वही है, ठीक, अंशी वही है। अब जब व्यक्ति जो है, हिंदू धर्म में बताया गया कि जब व्यक्ति जो है नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये द्वारा जब सिद्ध हो जाता है तो वो ईश्वरमय है। जब आप क्या है, यम क्या है, पांच में सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इनका पालन करेंगे आप जब 100% सत्य बोले तब पहला चरण शुरू होगा ईश्वर पे पहुंचने का। पहली चीज है आप सत्य ही सत्य बोले तब आप ईश्वर के को पकड़ने के लिए, ईश्वर बनने के लिए, स्वयं ईश्वर बनने के लिए पहला चरण पार करें। पहले ही चरण में फेल हो जाता है तो ईश्वर बनेगा कहाँ से, ठीक है। फिर अहिंसा, हिंसा ना करना, ठीक। अब ये सब चीजें करके फिर ध्यान अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना, ये सब चीजें करने के पश्चात जब व्यक्ति समाधि पर पहुंच जाता है तब वह ये जान जाता है कि वह वास्तव में है, ठीक। अब जब वो जान गया इसके पश्चात उसे क्या करना, उसे समाज का काम करना, ठीक। और भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि सर्व अर्जुन से कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी हे अर्जुन तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। धर्मों का मतलब है कि जितने भी तुम सब विचार हैं तुम्हारे मन, विचार जितने पनप रहे हो सबको छोड़ दो, दिमाग तुमसे सबको हटा दो, तुम सिर्फ एक पर ध्यान दे, ठीक, एक ही शरण में आ जाओ तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। अब ब्रह्म को कौन जानता है, पहले ब्रह्म पे अनुशीलन है नहीं, ब्रह्म है क्या, ब्रह्म का आकार क्या है, ब्रह्म होता क्या है, कैसा है ब्रह्म, ये सब जब चीजें जान जाएंगे आप, ठीक है नहीं। एक बार उद्दालक आवनी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद, उनका पुत्र श्वेत केतु बाहर पढ़ के आध्यात्मिक शिक्षा दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करके आ गए तो उन्होंने पूछा बेटा पढ़या है, बोले हाँ पढ़या है, बोले ब्रह्म विद्या पढ़या है, बोले हाँ पढ़या है, बोले बताओ के क्या है ब्रह्म, तो वो नहीं बता पाया, ठीक। तो उन्होंने कही ठीक है तुम एक काम करो, एक जो है कटोरा पानी लिया, एक कटोरा पानी मंगाए, उसमें क्या किया, उसमें कहा कि एक नमक का ढेला डाल दिया, इसमें नमक का ढेला डाल दिया, ठीक। बोले अब जो है कल आएंगे हम इसे देख लो, अब है तो पानी भी दिख रहा है ढेला भी दिख रहा है, ठीक है ना। एक दिन बाद आया, रात के बाद आया, सुबह दूसरा दिन, तो उन्होंने कहा कि बेटा सूर्य केतु देखो इस समय वो पानी का ढेला दिख रहा है, देखा पानी का ढेला भूल गया, वो पानी में नमक का ढेला, ठीक है नहीं, वो भूल गया। उसने कहा ये तो नमक का ढेला भूल गया, तो पिता ने पूछा कि तुमने कैसे जाना कि भूल गया, उन्होंने कहा कि इसमें जो है कि हम टेस्ट करके बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पानी के किस अंश में भूल गया, असमंजस में पड़ गया, उसने ऊपर का पानी का टेस्ट किया नमकीन था, उसने बीच के पानी को निकाला तो नमकीन था,
सबसे नीचे ले गया, वहाँ पे टेस्ट किया, फिर भी नमकीन था। उसने कहा कि पानी तो नमक जो है वो नीचे बीच में ऊपर, यानी जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ नमक पहुँच गया। ठीक, अब हमने कहा कि ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है, जहाँ तुम जान रहे हो वहाँ भी ईश्वर है, जहाँ नहीं जान रहे वहाँ भी। जिस प्रकार से तुम नमक को ना देख पा रहे हो फिर भी नमक पानी में, नमक पानी में है, ठीक है नहीं? ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी संसार की सब चीजों में है, लेकिन वो दिखाई नहीं। ये बात है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ना जाए, देखो एक चीज और, बस एक चीज और समझ लेना कि जब व्यक्ति जो है संसार में सिर्फ एक भगवत गीता है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति से निकालने के लिए सन्मार्ग देगा। आप यदि कर्म योगी हैं तो वह आप कर्म की शिक्षा दे देंगे, आप यदि ज्ञान योगी हैं तो वह आप ज्ञान की शिक्षा दे देंगे, और यदि आप भक्ति योग्य हो तो भी वह आप भक्ति की शिक्षा देंगे। ज्ञान भक्ति और कर्म की शिक्षा देने वाला सिर्फ संसार का एकमात्र ग्रंथ कौन है? ठीक, इसमें यह भी कहा गया है कि लोकेशु कर्म बंधना, समस्त लोक समस्त विश्व कर्म से बंधना। ठीक, इसी में दूसरे अध्याय में यह भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सत्कर्मणि। यानी आपको कर्म की इच्छा करना चाहिए, कर्म फल की इच्छा नहीं करनी। इसमें यह भी कहा गया है कि ना जायते मुदीते कदाचन, नायम भूता भक्तावाना भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो नाहन्ते अग्नमाने सलिलम। यह जो आत्मा है, यह जो है ना जायते मुदीते कदाचन, यह आत्मा अजन्मा शाश्वत है, अजन्मा है शाश्वत है, इसका ना कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु। बसांसी जीवानी यथा व्यहार, नमानी गृहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिंदानि यानि संयाति नमानि देह, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना सुषति मार्ता। जिस प्रकार से मनुष्य जो है पुराने वस्त्र हो जाते हैं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा भी जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उसे त्याग देती है और नए शरीर में पुनः प्रवेश करता है। इस आत्मा को ना तो कोई बाण जो है छेद सकता है, ना कोई आग इसे जला सकती है, है ना कोई पानी इसे ठंडा कर सकता है। यह आत्मा जो है अजर है, अमर। जो सर आप कह रहे थे सत्य अहिंसा की बात, तो कृष्ण भगवान जी इस टाइम झूठ बोलते थे। देखो ऐसा है, तुम्हें हम बताएं है क्या कि युवा वर्ग में, सही बात बताएं, जब हम युवा थे तो हमारे मन में भी ऐसे अनेक प्रश्न आते थे। हम ये भी प्रश्न सोचते थे, ईश्वर के पहले वाला ईश्वर तक तो ठीक है कहानी, लेकिन जब हर चीज के पहले होता है तो ईश्वर के पहले भी क्या था। युवा थे तुम्हारे जैसे, हम पढ़ते थे तो हमारे मन में भी ऐसे अनेक सवाल आते थे। ठीक, उसी प्रकार से आए, कुछ लोगों के मुख से हमने गांधी जी की बुराई सुनी, कुछ लोगों के मुख से हमने अम्बेडकर साहब की बुराई सुनी, कुछ लोगों के मुख से हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुराई सुनी, कुछ लोगों के मुख से हमने जो जवाहरलाल नेहरू की सुनी। यानी कि बड़ाई करने वाले कम लोग मिले, बुराई करने वाले भी लोग मिले। ठीक, लेकिन प्रश्न ये है कि हम कितना जानते हैं उनके बारे में। अगर वो अच्छे हैं तो बुरे हैं, इसका निर्णय वो
वो नहीं दे सकता जो कह रहा, इसका निर्णय हम लेंगे। हम कब लेंगे? जब हम उन्हें जान लेंगे। जब आप अम्बेडकर साहब को पढ़ेंगे तो आपको अम्बेडकर साहब से प्रेम होगा। जब आप जो है महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो आपको महात्मा गांधी से प्रेम होगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब धर्म ग्रंथों को समझेंगे पढ़ेंगे तभी आप जो है उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे जिन चीज़ों में आपका ऊहा पोह मचा। आप वही चीज कह रहे हो जो आपने कानों से सुन रखी। अब झूठ बोलते थे आप भगवान कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? हम यही पूछ रहे हैं। आप यही जानते हैं कि वे झूठ बोलते थे? आप यही जानते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप को मार दिया? आप यही जानते हैं कि वे मथुरा के राजा थे? ठीक है भाई, आप इतने ही जानते हैं कि जरासंध से वो मतलब परेशान हो गए तो द्वारका में राजधानी बना ली। आप इतने ही जानते हैं कि अर्जुन की सहायता की, वो महाभारत का युद्ध में अर्जुन को जिता दिया और गीता का उपदेश दिया और खत्म हुआ। इसके अतिरिक्त तो कुछ जानते नहीं आप? इसके अतिरिक्त जानते हैं? आप देखिए, लेकिन इतिहास के नहीं है जो आप जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि मथुरा जो है एक गणतंत्र था। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण के पिता भी एक गणतंत्र मतलब एक कुलीन था, उसके मुखिया थे। मथुरा में भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जहाँ का राजा उग्रसेन था। उग्रसेन में क्या है, कौन था? अंधक था, अंधक कबीला था, उसके मुखिया थे उग्रसेन। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो है विष्णु वंश के कबीले के मुखिया थे। इस वंश के विष्णु वंश के। अब आप ये है इतिहास, और आप क्या पढ़ रहे हो? सुनी आप पढ़ रहे हो कि वो राजा थे, और इतिहास क्या बता रहा है कि वो एक उनके पिताजी एक कबीले के मुखिया थे, एक गण के, जिस गण का नाम था क्या, विष्णु कबीला, विष्णु वंश। इसलिए ने विष्णु वीर भी कहा गया। और कंस ने जो है, कंस उनका कोई मामा थोड़ा था। कंस के जो चचेरी बहन थी उग्रसेन की, जो भाई थे उनकी लड़की भी आई थी, देख के इनको बस दे दी। तो बड़े लोगों में आपस में संबंध होते, उसी संबंध के तहत हो गया था। अब कंस को ये लगा कि ऐसा ना हो इस संबंध के आधार पर अगले राजा की बन जाए, बसदेव बन जाए, इसलिए उसने चक्र चला और नबंदी बना दिया। इतिहास के ठीक है नहीं, लेकिन उसको हमने दूसरे रूप में लोग बात दूसरे रूप में सुना देते भाई। हम किसी को भगवान माने या ना माने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कब? जब हम उसका जो है अध्ययन करें। हम में और भगवान में अंतर यही है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए जिन्हें हम नहीं कर सकते, इसलिए जिन्हें हम नहीं कर सकते इसलिए वह भगवान है। भगवान और कौन होता है? जो कार्य मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो तो समझिए कि वह सामर्थ्य किसमें है? ईश्वर। ठीक, एक जो है 9 या 11 साल का लड़का एक बड़े लड़का आदमी को कैसे मार सकता है? ठीक है नहीं, ईसा मसीह का भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जैसे माता बुद्ध का भी जन्म हुआ, वैसे ईसा मसीह का भी जन्म हुआ वैसे। ठीक, वह तो और यहूदी धर्म के भी जो वो थे भगवान, उनका भी वैसे जन्म हुआ जैसे भगवान कृष्ण का हुआ जेल में। अब आप ये जानकारी नहीं था। अब या तो हमारे यहाँ से चुनाव तो वहाँ कई कहानियाँ
या वहां से चुरा के यहाँ आए या सिर्फ सहयोग ही है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में नाव की कहानी मिलती है, ये जल प्लावनी कथा मिलती, जल प्लावनी कथा ये हिंदू धर्म में जल प्लावनी कथा क्या है, पूरा संसार समुद्र में डूब जाता है, राजा मनु एक जहाज बनाते हैं, उसे सब जीव जंतुओं में बैठा लेते हैं, सबकी रक्षा कर देते हैं, भगवान उनकी रक्षा कर देते हैं। ये हजारों वर्ष पहले मेसोपोटामिया में लिखी हुई है, ये बात वैदिक सभ्यता से पहले लिखी हुई है, ईंटों में लिखी हुई है मेसोपोटामिया। जब लिपि का आविष्कार हुआ, लोग मिट्टी के तख्तियों पर लिखते थे, मिट्टी की बना लेते थे तख्तियां और उनको लिख के फिर आग में सुखा के रख लेते थे, पुस्तकालय बनते थे, समय किताबें थी नहीं, लोग मिट्टी पर लिखते थे और वही किताबें होती थी। तब उन लोगों ने जल प्लावनी कथा लिखी, ठीक है ना, ये ऐसी बातें हैं। आइए बच्चों, राष्ट्रपति कैमिला मार के हैं और उपराष्ट्रपति आयोग का अध्यक्ष कौन है, उन लोगों को मालूम नहीं। हमारे देश में 1950 में एक आयोग बना था जिसका नाम था योजना आयोग, मार्च 1950 में एक आयोग बना था जिसका क्या नाम था, योजना आयोग। लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री है इनके कार्यकाल में क्या होगा, योजना आयोग खत्म कर दिया गया और उसकी जगह एक नया आयोग बना जिसका नाम है क्या, नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम कर रहा है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015
ठीक है, मालूम है उसके पहले समाधान नहीं पड़ेगा तुम। अच्छा देखिए, अब आपको बता दें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक ठीक उसी प्रकार से नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? भारत का। क्लियर हो गई? हाँ, अब कोई पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी। अब जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, देखो बच्चों अभी राष्ट्रमंडल के भारत में कब हुए थे राष्ट्रमंडल के? राष्ट्रमंडल गेम पहले कब हुए थे, बाद में कितने जो वर्तमान राष्ट्रमंडल गेम है खेल है उसमें कितने पदक कुल जीते, उसमें स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? अब देखिए हमारी दूसरी क्लास लगेगी, यदि हम पढ़ाई की आज अटेंडेंस क्लास लगी नहीं तो हम तो हमें स्पोर्ट्स में इतना मजबूत कर देंगे, ठीक है नहीं? देखो चार नॉन टेनिस होगी, ठीक है, आप हम बता दें क्या क्या पढ़ना है आपको, इतना हम अभी बता देते, ठीक है? अब चूंकि तुम लोगों ने चाचा दूसरे विषय पर कह दी तो हम दूसरे विषय को चले गए। देखो बच्चों पुरस्कार पढ़ना, कौन कौन पुरस्कार? बुकर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है नहीं? इसके पश्चात खेलों में आपको ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस, अमेरिकन टेनिस, लॉन टेनिस, विंबलडन और फ्रेंच, इनके पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता और पहली भारतीय किसी ने जीता है तो भारतीय देख, ठीक, इतना आपको लॉन टेनिस में पढ़ना है। फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं, किस प्रतियोगिता का कौन सा कप, फुटबॉल का, हॉकी का कौन सा कप है, ये देखना है आपको, ठीक है? हॉकी का विश्व कप कब होगा अंतिम, आंग्ला विश्व कप कहाँ होगा, आंग्ले या ओलंपिक, आंग्ले फुटबॉल, आंग्ला क्रिकेट विश्व कप कहाँ होंगे, आंग्ला राष्ट्रमंडल गेम कहाँ होगा, आंग्ला एशियन गेम्स कहाँ होंगे, ये सब पढ़ना है, ध्यान से सुनना लो, हैं आंग्ला एशियन राष्ट्रमंडल हैं ओलंपिक खेल ये सब कहाँ होने हैं ये पढ़ना, अभी लेटेस्ट में कहाँ होगा वो पढ़ना, ठीक है नहीं? उसमें भारत की क्या पोजीशन है, ठीक, आप भारतीय कौन से भारतीय लोग हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्रों विशेष पुरस्कार प्राप्त किया, कौन भारतीय लोग हैं जो बड़े बड़े संविधान पदों पर बैठे हुए हैं, ठीक। अच्छा कुछ राष्ट्रीय घटनाएं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कुछ ऐसी नीतियां जो सरकार ने जनता के लिए बनाई, ठीक है, संविधान में कोई मौलिक संशोधन होगा तो वो पढ़ लीजिए, आर्थिक रूप से भारत की जीडीपी कितनी जा रही है, वैश्विक दृष्टि से भारत अर्थव्यवस्था में कितने स्थान पर है, भारत कौन सी चीजों को, सुनिए भारत कितनी चीजों को निर्यात करता है, भारत कितनी चीजों को आयात करता है, आयात निर्यात में भारत का क्या स्थान है, भारत सबसे ज्यादा कौन सी किस चीजों का निर्यात करता है, भारत किन चीजों को सबसे ज्यादा आयात करता है, उनके नाम
पढ़ना है। आप लोगों की कल और परसों भी क्लास लगेगी करंट अफेयर्स की, उनमें भी यही चीज़ें आप लोग पढ़ना है। ठीक, अगर हमारी लगेगी वैसी क्लास तो हम जरूर तुम लोगों को पढ़ा देंगे, हमें मालूम नहीं है आपको पढ़ा है। ठीक, वो अटेंडेंस क्लास, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दें, कल फिर देखेंगे। और कोई अगर समस्या तो बताइए। ठीक है बच्चों, देखो तुम्हें हम बताएं, तो पेपर आपको मिलता है, पेपर डेली का पेपर दीजिए, कम से कम 6 महीने की घटना को पढ़ा जा रही है, कुछ पत्रकार लिखिए। अगर नौकरी लेना है आप लोगों को तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग किताब लाइएगा, हम उस पर टिक लगा देंगे क्या कर, ठीक है ना, किताब लाइएगा हमें दिखाना, हम कह रहे हैं मतलब ये जरूरी नहीं क्लास हो या ना हो, आप किताब लाना हम बता देंगे, हम बता देंगे पिछले साल के पेपर देख के उसी साल पढ़िए, जो ना है समझ में पूछिए, ठीक है।